चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स 2। मैथमेटिक्स 2 में टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम सीखेंगे आज कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है उसके बारे में। इसका कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, टेस्ट फॉर एग्जैक्टनेस द डिफरेंशियल इक्वेशन ई वेस टू वाई प्लस वन कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस ई वेस टू वाई साइन एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन आरजीपीवी जून 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि इसमें इसको टेस्ट करना है कि एग्जैक्टनेस डिफरेंशियल इक्वेशन को ई वेस टू वाई प्लस वन कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू ई वेस टू वाई साइन एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो, जो कि आरजीपीवी जून 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन जब इसको करेंगे क्वेश्चन को, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसको गिवन के फॉर्म में लिख देते हैं। सो सॉल्यूशन करेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दी है इक्वेशन, ई वेस टू वाई प्लस वन कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस ई वेस टू वाई इंटू साइन एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको बता दिया। सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसको कंपेरिजन करना पड़ता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई, एम इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो होता है। तो इस इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा। जब इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू होगी ये वाला जो टर्म है, ये m की वैल्यू हो जाएगी, और n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से जो टर्म है ये वाला टर्म n की वैल्यू हो जाएगी। इसके हिसाब से कंपेयर करके लिखेंगे तो m इक्वल टू हो जाएगा ई वेस टू वाई प्लस वन कॉस एक्स, ये वाला टर्म हो जाएगा m, और ये वाला फॉर्म हो जाएगा n। तो n इक्वल टू हो जाएगा ई वेस टू वाई इंटू साइन एक्स। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड इसमें नाम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, क्योंकि m इंटू डी एक्स हो जाएगा और n इंटू डी वाई। तो यहाँ पर m इक्वल टू हो जाएगा ये वाली वैल्यू, n इक्वल टू हो जाएगी ये वाली वैल्यू। तो m इक्वल टू ई वेस टू वाई प्लस वन कॉस एक्स और n इक्वल टू ई वेस टू वाई इंटू साइन एक्स, ये m और n की वैल्यू आ जाती है। अब इसमें क्या करते हैं, तभी m और n की वैल्यू निकाल ली। m और n की वैल्यू निकालने के बाद डिफ्रेंटिएटिंग करना पड़ेगा इक्वेशन सेकेंड को विथ रिस्पेक्ट टू y एंड इक्वेशन थर्ड को विथ रिस्पेक्ट टू x। इसमें याद रखना डिफ्रेंटिएशन करना है, जो ये वाला फंक्शन है इसको करना है y के रिस्पेक्ट में डिफरेंटिएशन, और n वाला है इसको करना है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंटिएशन। तो सबसे पहले हम m वाले को करेंगे तो dm अपॉन dy हो जाएगा, dm अपॉन dy इक्वल टू, यहाँ जो इसका डिफरेंटिएशन होगा तो डिफरेंटिएशन में क्या हो जाएगा कि इसका अगर हम देखें तो इसमें ई वेस टू वाई इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेकेट तोड़ेंगे, यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा। तो x वाला टर्म जो होता है वो जीरो हो जाता है और y वाला टर्म बस इसमें लिया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ई वेस टू वाई इंटू कॉस एक्स आ जाएगा पहले वाले। इसका दूसरे का करेंगे, जब हम इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y वाला टर्म इसमें जीरो हो जाएगा और इसमें क्या बचेगा x वाला। तो डी एन अपॉन डी एक्स करेंगे तो ई वेस टू वाई इंटू कॉस एक्स, जो x वाला टर्म होगा उसको हम कुछ भी नहीं, उसमें हम डायरेक्ट उसमें वो लिख देंगे और x वाले टर्म में बदलाव आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा ई वेस टू वाई इंटू कॉस एक्स और ये हो जाएगा ई वेस टू वाई इंटू कॉस एक्स, क्योंकि ये साइन एक्स का यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा और यहाँ एक्स वाले टर्म को चेंज नहीं होगा, ये वाला ई वेस टू वाई का। ई वेस टू वाई होता है डिफरेंटिएशन, जब डिफरेंटिएशन हम करते हैं डी अपॉन डी वाई, और ई वेस टू वाई अगर करते हैं तो इसका डिफरेंटिएशन हमेशा ई वेस टू वाई ही आता है, इसलिए इसको ई वेस टू वाई इंटू कॉस एक्स हो जाता है। क्योंकि इसको अगर हम देखें तो इसका अगर ब्रेकेट तोड़ेंगे तो इसका इस टाइप से लिखा जाएगा ई वेस टू वाई इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। अब अगर इसको हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंटिएशन करते हैं तो ये वाला बस डिफरेंटिएशन होगा, ये वाला तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कॉस एक्स तो हमको लिया नहीं जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉस एक्स जो है वो बाहर आ जाएगा और ई वेस टू वाई का डिफरेंटिएशन होगा तो ई वेस टू वाई आ जाएगा, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं ई वेस टू वाई इंटू कॉस एक्स। और जब इसका डिफरेंटिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में ई वेस टू वाई बाहर आ जाएगा और साइन x का डिफरेंटिएशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस x। तो दोनों का डिफरेंटिएशन करना है। अगर इक्वेशन सेकंड है इसका डिफरेंटिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, और जो इक्वेशन थर्ड है इसका डिफरेंटिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हो जाएगा डी एम अपॉन डी वाई इक्वल टू ई वेस टू वाई इंटू कॉस एक्स, और ये हो जाएगा डी एन अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई बेस टू वाई एन टू कॉस एक्स। सो देयर फोर वी ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं डी एम अपॉन डी वाई इक्वल टू डी एन अपॉन डी एक्स आ रहा है। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट इक्वेशन। तो इसमें यही चेक करना था कि एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं है। एग्जैक्ट इक्वेशन चेक करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन दी हुई है इसको लिखना है, इक्वेशन लिखने के बाद इसको m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो से कंपेयर करना। तो m इक्वल टू ये आ जाएगा, n इक्वल टू ये आ जाएगा। इसके बाद m वाला टर्म है इसको विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंटेशन करना है, जो इक्वेशन थर्ड है इसको हमको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंटेशन करना है। तो डी एम अपॉन डी वाई इक्वल टू ई बेस टू वाई इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, डी एन इंटू डी एक्स इक्वल टू डी एन अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई बेस टू वाई इंटू डी कॉस एक्स हो जाएगा। तो दोनों क्या है, दोनों कंपेयर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देयरफॉर वी ऑब्जर्व दैट डी एम अपॉन डी वाई इक्वल टू डी एन अपॉन डी एक्स हो जाएगा। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर एग्जैक्ट एंड सॉल्व इफ वाई ई बेस टू एक्स डी एक्स प्लस टू वाई प्लस ई बेस टू एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन आरजीपीवी नवंबर 2019 में पूछा गया है। एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी पूछा गया है, सॉल्व दी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू ई बेस टू एक्स डी एक्स प्लस टू वाई प्लस ई बेस टू एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। ये आरजीपीवी दिसंबर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में को यह एक एग्जैक्ट इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन एक ही है बस इसको फॉर्म में अलग पूछा। इसमें पूछा गया सो दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर एग्जैक्ट एंड सॉल्व इफ, ये क्वेश्चन ये दे दिया। इसमें दिया सॉल्व दी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और ये दे दिया। अब इसको क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखें। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, कौन सी इक्वेशन दी है, ये दी हुई है, ये एक ही इक्वेशन है। तो y ई बेस टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस टू वाई प्लस ई बेस टू एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे देंगे। इसको फिर कंपेयर करेंगे किससे, m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो से। ये होती एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इससे हम कंपेयर करेंगे। तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इक्वल टू आ जाएगा ये वाला टर्म आ जाएगा m, और n क्या आ जाएगा ये वाला टर्म, मतलब ये वाला टर्म आ जाएगा n के फॉर्म में। तो m इक्वल टू हो जाएगा y इंटू ई बेस टू एक्स और n इक्वल टू हो जाएगा टू वाई प्लस ई बेस टू एक्स। इस टाइप से इसको लिख लेते हैं, m इक्वल टू वाई इंटू ई बेस टू एक्स, n इक्वल टू वाई प्लस ई बेस टू एक्स हो जाता है। इसके बाद इसको फिर वैसे ही जैसा पहले किया होता डिफरेंटेशन करना है। डिफरेंटेशन करना है इसको, इक्वेशन सेकेंड को करना है विथ रिस्पेक्ट टू y हमेशा, और इक्वेशन थर्ड को करना है विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंटेशन। तो वी हैव, पहले वाले को अगर हम डिफरेंटेशन करेंगे तो डी एम अपॉन डी वाई इक्वल टू आ जाएगा ई बेस टू एक्स आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखेंगे, ये देखो ये दिया हुआ क्वेश्चन, m इक्वल टू कितना आया हमारे पास, m इक्वल टू आया है y इंटू ई बेस टू एक्स। इसका अगर हम y के रेस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंटेशन तो ये हो जाएगा डी एम अपॉन डी वाई इक्वल टू वाई का हो जाएगा यहाँ वन और यहाँ आ जाएगा ई बेस टू एक्स। तो ये लिख दिया डी एम अपॉन डी वाई इक्वल टू ई बेस टू एक्स। फिर n इक्वल टू दिया हुआ है 2y प्लस ई बेस टू एक्स दिया हुआ है। इसका हम x के फॉर्म में अगर डिफरेंटेशन करते हैं तो ये हो जाएगा dn अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा टर्म, ये बचेगा ई बेस टू एक्स। तो दोनों का डिफरेंटेशन हो जाता है। जब डिफरेंटेशन करते हैं तो डिफरेंटेशन कितना आ जाएगा इसका, dm अपॉन डी वाई इक्वल टू ई बेस टू एक्स, dn अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई बेस टू एक्स। तो देयरफॉर we observe that dm upon dy equal to dn upon dx आ गया। अगर दोनों इक्वेशन बराबर आ जाती हैं तो ये वाली जो गिवन इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एग्जैक्ट इक्वेशन कहलाएगी। एंड शो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, इसको लिख सकते हैं, एग्जैक्ट इक्वेशन है। इसके आगे अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व भी करना है। तो सॉल्व करना, तो इसमें सॉल्व करने के लिए आगे क्या करना है, टेकिंग y एज कॉन्स्टेंट, y कांस्टेंट ले लेंगे और इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो इसको करेंगे m वाले को करेंगे तो इंटीग्रेशन m इंटू डी एक्स करेंगे, और दूसरे वाले को करेंगे इंटीग्रेशन n इंटू डी वाई। एक्स के फॉर्म में इंटीग्रेशन करने हैं, इसको y के फॉर्म में करना है। तो जब पहला वाले इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन m इंटू डी एक्स, तो इसको लिख देंगे इंटीग्रेशन y इंटू ई बेस टू एक्स इंटू डी एक्स वाई इसमें बाहर आ जाएगा, ई बेस टू एक्स का इंटीग्रेशन होगा, ई बेस टू एक्स आ जाता है। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं वाई इंटू एक्स ई बेस टू एक्स इंटू डी एक्स लिखते हैं तो वाई जो है वो कांस्टेंट वेरिएबल आ जाएगा, तो ये वाई बाहर आ जाएगा, इसमें इंटीग्रेशन हो जाएगा ई बेस टू एक्स इंटू डी एक्स। ई बेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई बेस टू एक्स ही आता है, इसलिए वाई ई बेस टू एक्स इसको लिख सकते हैं। इसलिए इसमें क्या आ गई, इक्वेशन फोर्थ क्या आ गई, वाई इंटू ई बेस टू एक्स। अब इंटीग्रेशन एन इंटू डी वाई करना है अगर, तो एन की वैल्यू कितनी है, 2y है, 2y इंटू डी वाई, तो वाई 2y का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका y के रेस्पेक्ट में है, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर अपॉन 2 होता है, क्योंकि अगर कोई फंक्शन है उसमें पावर के ऊपर ये वाला पावर लग जाता है, इसमें x टू n है अगर इंटू डी एक्स है तो इसमें क्या हो जाता है, x बेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाता है, ये वाला टर्म लगता है, तो इसी हिसाब से इसको लिख लेते हैं। तो इसमें क्या आ जाता है, तो इसको करेंगे इंटीग्रेशन 2y इंटू डी वाई करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा और y इंटू डी वाई हो जाएगा इंटीग्रेशन यहाँ पर, और 2 बाहर हो जाएगा तो 2 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2 आ जाता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, y स्क्वायर बचेगा। तो इसको ये वाला इक्वेशन कितना आ जाएगा, y स्क्वायर। तो पहला हो गया y इंटू ई बेस टू एक्स, दूसरा हो गया y स्क्वायर। हैंस फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको मालूम है क्या होता है, इक्वेशन m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इंटीग्रेशन के फॉर्म में इक्वल टू c, ये होता। तो ये कितना आ गया, y इंटू ई बेस टू एक्स यहाँ पुट कर दिया, दूसरा कितना आ गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वाई ई बेस टू एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, सॉरी वाई ई बेस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व 1 प्लस ई बेस टू एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स प्लस ई बेस टू एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आरजीपीवी जून 2022 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करेंगे। सो हेयर दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या कौन सी इक्वेशन दी है, ये दी है 1 प्लस ई बेस टू एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स प्लस ई बेस टू एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमको दी हुई है, इसको कंपेयर करेंगे किससे, m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई से इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी इससे, ये आ जाएगी ये वाला, तो m इक्वल हो जाएगा 1 प्लस ई बेस टू एक्स अपॉन वाई। n की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें से, ये वाला आ जाएगा, n इक्वल टू आ जाएगा ई बेस टू एक्स अपॉन वाई 1 माइनस 1 एक्स अपॉन वाई। तो m और n की वैल्यू इस टाइप से कैलकुलेट करना। तो m इक्वल हो जाएगा इस इक्वेशन से ये वाला टर्म 1 प्लस ई बेस टू एक्स अपॉन वाई, n इक्वल टू आ जाएगा ये वाला टर्म ई बेस टू एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। अब इसके बाद क्या करते हैं, इन इक्वेशन को निकालने के बाद जो ये वाला इक्वेशन m वाला है इसको y के विथ रिस्पेक्ट डिफरेंटिएशन करना है, जो ये वाला टर्म है इसको x के विथ रिस्पेक्ट हमको एक डिफरेंटिएशन करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर सेकंड का डिफरेंटिएशन करेंगे। तो डिफरेंटिएटिंग इक्वेशन नंबर सेकंड पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड है इसको डिफरेंटिएटिंग इक्वेशन सेकंड पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y एंड इक्वेशन थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। पहली वाली इक्वेशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंटिएशन, तो dm अपॉन डी वाई इक्वल टू ये हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में, इसका डिफरेंटिएशन हो जाएगा तो ये आ जाएगा ई बेस टू एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वेयर, y के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो y के रेस्पेक्ट में क्या होगा, जो ये वाला टर्म है इसमें ये वाला टर्म का डिफरेंटिएशन होगा, ये वाला तो हमारे पास हट जाएगा क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, 1 है 1 का 0 हो जाता है। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई बेस टू टी हो जाएगा, तो ई बेस टू एक्स अपॉन वाई, फिर इसका होगा तो एक्स अपॉन वाई स्क्वायर हो जाता है माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। दूसरा हम करेंगे एन का फॉर्म में, अगर एक्स के फॉर्म में करेंगे तो डी एन अपॉन डी एक्स इक्वल हो जाएगा ई बेस टू एक्स अपॉन वाई बाहर आ जाएगा, यहाँ माइनस 1 अपॉन वाई, यहाँ 1 माइनस एक्स अपॉन वाई ई बेस टू एक्स अपॉन वाई 1 अपॉन वाई हो जाता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो यह आ जाता है ई बेस टू एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर हो जाता है इसका। उसमें क्या होता है, मल्टीप्लायर में है, तो मल्टीप्लायर में है अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन मल्टीप्लायर में क्या होता है, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन और फिर दूसरे का भी हमारा 1/y है उसका भी डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो इसका जो आएगा वो कितना जाएगा e⁴x/y माइनस x/y स्क्वायर आ जाता है इस टाइप का। तो dm/dx और dn/dy इक्वल बराबर, इसमें क्या होगा, दस बी ऑब्जर्व dm/dy प्लस इक्वल टू dn/dx एंड देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट हेंस इट्स सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन dm/dx इंटीग्रेशन m/dx आएगा, तो इसको करेंगे इंटीग्रेशन 1 + e⁴x/y dx इक्वल टू आ जाएगा इसमें x + y e⁴x/y। इसमें अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस में है तो क्या होता है, पहला 1 × dx हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा इंटीग्रेशन e⁴x/y dx हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो इसका होगा इसका कितना आ जाएगा x हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका क्या हो जाएगा, एक तो आएगा हमारे पास e⁴x/y और ये y वाला बाहर हो जाएगा y e⁴x आ जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रेशन आएगा तो पहले का क्या आ जाएगा x + y e⁴x/y। दूसरा है इंटीग्रेशन n × dy, तो y वाला टर्म है नहीं इसलिए इसको d 0 × dy लेंगे, तो 0 का कितना होता है इंटीग्रेशन 0 होता है, तो इसका हो जाएगा x + y e⁴x/y वही हो जाएगा 0। तो इसको फिर लिखेंगे फॉर्म में इक्वेशन 4th और 5th के फॉर्म में, रिक्वायर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन m × dx प्लस इंटीग्रेशन n × dy इक्वल टू c। m × dx कितना है, x + y e⁴x/y और इंटीग्रेशन n × dy कितना है 0 है, 0 इक्वल टू c। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी x + y e⁴x/y इक्वल टू c हो जाएगी इक्वेशन। तो ये आंसर आ जाएगा इसमें x + y e⁴x/y इक्वल टू c, ये इक्वेशन हो जाएगी सॉल्यूशन।